बच्चों आज आपको पढ़ना है वोल्फ किस्मा और रिडक्शन। ये कहां कहां पर यूज है एनसीईआरटी में, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन ऑफ एलकेएम में आता है। प्रिपरेशन ऑफ एलकेएम में इसका यूज होता है। दूसरा बच्चों इसका यूज होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आप देखो एनसीईआरटी में ये 11th का टॉपिक है और ये आपका 12th का टॉपिक है। क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? JEE मेन में खूब आता है, नीट में खूब आता है, एडवांस में भी आ जाता है, लेकिन और रिएक्शंस के साथ मिलकर। अब बच्चों एग्जैक्टली वोल्फ किस्मा रिडक्शन है, ये आप कार्बोनिल ग्रुप ले लो, यहां पर आप एल्डिहाइड ले सकते हो या फिर कीटोन ले सकते हो। इस एल्डिहाइड या फिर कीटोन को आप रिएक्ट करते हो किसके साथ? हाइड्राजीन NH2 हाइड्राजीन साथ में बेस OH माइनस। हाइड्राजीन और बेस के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? ये हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, ये आपके पास एल्केन मिल जाता है। जब आप एल्डिहाइड कीटोन को रिएक्ट करते हो हाइड्राजीन और एल्कली के साथ, ये आपके पास हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन और ये आपके पास कोई एल्कली है, जब आप रिएक्ट करते हो तो आपको एल्केन मिल जाता है। ये रिएक्शन है। आप यहां पर प्यारे बच्चों क्या करो, आप यहां पर एग्जांपल पर आप एस्टरडिहाइड ले लो और NH2 साथ में OH माइनस, तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 और H, या फिर आप इसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ले लो। फिर आप कोई भी मान लो इस तरीके से ले सकते हो CH3 और CH3, यहां पर NH2 और NH2 OH, तो क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 CH2 और CH3 बन जाएगा। एल्केन का प्रिपरेशन होगा जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन को इस तरीके से ट्रीट करोगे, एल्केन प्रिपेयर होगा। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडर करो कि आप कुछ इस तरह से कोई कंपाउंड लेते हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रखा है और यहाँ पर आपने CH2 ले रखा है, तो इस कंडीशन में जब आप NH2 और साथ में OH माइनस एल्कली को ट्रीट करते हो तो आपको क्या मिलता है? डबल बॉन्ड एज इट इज और यहाँ पर बच्चों CH3 मिल जाएगा, जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्केन में चेंज हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। कंसीडर करो कि आपके पास कुछ किस तरह का कंपाउंड है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, आपने N2H4 इस NH2 को N2H4 में किया है, मैंने ऐसा कुछ ट्रीट करोगे तो बिना किसी झंझट के यहाँ पर CH2 और CH3 हो जाएगा, जो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो CH2 में चेंज हो जाएगा, फाइनली एल्केन में चेंज हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स ले लो। कंसीडर करो कि आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपने कंसीडर करो OH ले लिया और यहाँ पर आपने CH2 ले लिया और इस ग्रुप पर रिएक्शन होनी है आपके, और अगर इस ग्रुप पर रिएक्शन होनी है तो NH2 और OH, तो बच्चों
यहां पर बनेगा क्या, यहां पर किस तरीके से बनेगा, ये OH as it is रहेगा, ये untouched रहेगा, क्योंकि medium जो है, वो basic medium है, alkaline medium है, अगर basic medium होता है, या alkaline medium होता है, तो OH जो है, unreactive या non-reactive हो जाता है, यानी इस पर कोई reaction नहीं होती है, यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं, ये तो non-reactive हो जाएगा, reason क्या है? मीडियम बेसिक और बेसिक मीडियम में OH नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, जो CHO है CHO चेंज हो जाएगा किसमें, CSP में। कुछ और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, मान लो हमने कुछ ऐसा ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर CHO ले लिया, तो मीडियम जो है वो किस्म की सबसे अच्छी कहानी क्या है, सबसे अच्छी कहानी है कि NH2 और OH माइनस लेता है बेसिक मीडियम रिएक्शन है दोस्तों, और अगर मीडियम बेसिक है तो ये जो ग्रुप है एल्कीन ये इनर्ट हो जाएगा, ये नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, और जो CHO है ये एल्केन में बदल जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो कुछ किस तरीके से बनेगा, ये एज इट इज रहेगा और यहां पर बच्चों सीएसपी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो मीडियम है वो तो बेसिक है, तो जो OH नोट करना सर, OH के साथ साथ आपके सर मिटाना है अगला वाला, OH ऑक्सीडेबल कौनसी, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी OH और ये इस टाइप की जो चीजें हैं वो सारी की सारी इनर्ट हो जाती है। बेसिक मीडियम का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, और बेसिक मीडियम का अगर सबसे बड़ा फायदा किस तरीके से होता है, ये इनर्ट होगी, ये इनर्ट होगी भाई बेसिक मीडियम है, फायदा ये हुआ, केवल जो ये पार्ट है वो सीएसपी में चेंज हो गया, ये आपका इनर्ट हो गया, नॉन रिएक्टिव हो गया, जो ये वाला पार्ट था वो सीएसपी में चेंज हो गया, ये नॉन रिएक्टिव हो गया, इनर्ट हो गया, सॉरी इसमें तो सब कुछ है, इसमें हमने ना तो डबल मोटर का ना कुछ लगा, तो इसमें जो अवॉइड है वो हिला है, एल्केन में चेंज हुआ, बट इसमें देखो बच्चों इसकी कहानी बड़ी सिंपल सी है, यहाँ पर ये आपने जो लिया है ये बेसिक मीडियम की वजह से ये नॉन रिएक्टिव रहा, इनर्ट रहा, और जो ये पार्ट है ये सीएसपी में चेंज हो गया, और यही आपको मेजर प्रोडक्ट मिलके तैयार हो गया, इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स आ गए। पहले बच्चों मैंने आपको बताया कि ये एनसीईआरटी में है, यानी कि ये 11th में भी पार्ट प्ले करता है, 12th में भी आता है, 12th में इलेक्ट्रॉन में आता है, 11th में एल्केन में आता है। अब बच्चों मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताया है, सबसे बड़ी खासियत जो इसकी है वो ये है, इसमें बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है तो कुछ ग्रुप्स बेसिक मीडियम में रिएक्शन ही नहीं करते, जैसे सीएमसी है वो बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं करता है, जैसे OH है वो बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं करता है, तो वो प्रोटेक्ट होंगे, वो इनर्ट होंगे, वो नॉन रिएक्टिव होंगे, उन पर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, इस वोल्फ किस्नर रिडक्शन का कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। हालांकि जो क्लेमेंजल रिडक्शन था जिसे मैंने कल बताया था, उसमें ये ग्रुप प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, ये ग्रुप भी रिएक्टिव हो जाते हैं, तो वोल्फ किस्नर इन ग्रुप थोड़े से OH में रिएक्शन होता है, इन ग्रुप को टच नहीं करता है, विदाउट रिएक्टिंग विदाउट टचिंग दी ग्रुप्स OH एंड द डबल बॉन्ड इट कन्वर्ट्स कार्बोनिल और एल्डिहाइड और कीटोन इनटू द एल्केन। नाउ फ्रेंड्स आपको अब करना क्या है, अब आपको करना क्या है, अब आपको
मैकेनिज्म समझनी है कि मैकेनिज्म क्या होगी। मैंने माइक नहीं लगाया इसलिए क्लास एंड कर रहा हूँ, माइक लगाकर दोबारा से करूंगा, ये गलती हुई मेरे से आज, दोबारा कर लेते हैं कोई बात नहीं।